हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम जावा से पैलिंड्रोम नंबर कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर, इसमें अगर आप 454 हैं या फिर डैड है, अगर आप इसे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड किसी साइड से भी देखेंगे तो दोनों इक्वल ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैडम है, अगर इसे अपोजिट साइड से भी रीड करेंगे या फिर सेम साइड से रीड करेंगे तो दोनों सेम ही आता है, तो इसे हम पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो इसमें हम जावा में कैसे कोडिंग करते हैं उसे हम देखते हैं। तो हमें सेम प्रोसीजर करना है, डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं। डॉट जावा एक्सटेंशन दे देते हैं और इसको हम जे क्रिएटर प्रो से हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें कोडिंग सेक्शन में आ जाते हैं। कोडिंग सेक्शन में आप अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखते हैं पब्लिक क्लास, और जिस भी नेम से आपने वहाँ पे सेव कर रखा है उसी को यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे पैलिंड्रोम नाम से यहाँ से सेव किया था तो सेम नेम से हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद से हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे से इनिशियलाइजेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि कैसे कंडीशंस अप्लाई करना है, वही हमें यहाँ पे फाइंड करते हैं। कोई कंडीशंस हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो उससे हम इक्वल टू जीरो कर देंगे और टेम्प, यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले देते हैं, और इंट एन इक्वल टू, यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं 454 को, ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे उसी के लिए हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे हम वाइल लूप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। वाइल लूप में हो जाएगा एन इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू एन परसेंटाइल बाय 10 ऑफ सेमी कॉलोन से आप यहाँ से इंटर कर देंगे, और सम की वैल्यू जो होगी सम इक्वल टू यहाँ पे होगा आपका सम इनटू 10 से मल्टीप्लाई करेगा उसमें, और उसके बाद से प्लस आर, ठीक है। इतना होने के बाद एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एन डिवाइड बाय 10। ये तो हमने यहाँ पे पूरी यहाँ से इनिशियलाइजेशन कर लिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद यहाँ से हमने इसके कंडीशन को अप्लाई कर दिया। इसके बाद से हम यहाँ पे इफ कंडीशन में आते हैं। इफ कंडीशन में अगर टेम का जो वैल्यू है उस सम के इक्वल होगा तो क्या प्रिंट होके आएगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पहले रोम नंबर होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो हो जाएगा हमारा नॉट वैलिड रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉट वैलिड रोल नंबर। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं, फिर इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। इसके बाद सिंपली इसे रन करा के देखते हैं, अगर हमारा कोड में कोई भी एरर नहीं होगा तो प्रॉपर रन हो जाएगा। तो देखिए ये प्रॉपर रन हो गया, पैलिंड्रोम नंबर है, यानी हमारा जो 454 है वो पैलिंड्रोम नंबर है। इस तरह से आप जावा में पैलिंड्रोम नंबर को फाइंड कर लेंगे। अगर आप इसे यूजर से इनपुट वेरिएबल देना चाहते हैं तो उसे कैसे देंगे, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पर आपको पहले इम्पोर्ट करना होगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहाँ पे जहाँ से इनिशियलाइजेशन किया है यहाँ पे आपको स्कैनर का कुछ कंडीशंस लिखना होता है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और जो प्रिंट कराना चाहते हैं इंटर दी वैल्यू एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कैसे यूजर से इनपुट वेरिएबल लेते हैं, और इसमें मैंने इसको बेसिक तरीके से समझा भी दिया। तो इस तरह से आप इस रन करा के देखते हैं। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा 232 तो ये हमारा हो गया नॉट पैलिंड्रोम नंबर। इसे अपोजिट करके ये फुलफिल नहीं करेगा इस कंडीशन को। फिर से एक बार और हम रन करा के देख लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 454, और इसे रन कराते हैं, इसे इंटर करेंगे, तो देखिए ये हमारा पैलून रूम नंबर है। तो इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे किस तरह से पैलून रूम नंबर है या नहीं है, जावा की कोडिंग बहुत ही इजी मेथड से। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।